शिवपुरी जिले के करेरा में आए कांग्रेस प्रत्याशी प्रागी लाल जाटव के समर्थन में आम सभा को संबोधित करने आए पूर्व मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को अतिथि शिक्षकों ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया, जिसमें 300 से अधिक अतिथि शिक्षकों ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है तथा कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे। जिला उपाध्यक्ष अमरीश यादव के नेतृत्व में अतिथि शिक्षकों ने माननीय कमलनाथ जी को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने की बात कही। शिवपुरी से नरेंद्र जाटव की रिपोर्ट। और पूरे प्रदेश में तो हमारी अतिथि शिक्षकों की है। आज प्रश्न अतिथि शिक्षक का नहीं है, रोजगार का नहीं है, मैं तो रोजगार की बात करता हूँ। और सुन लीजिए अतिथि शिक्षक, मैं रोजगार की केवल बात नहीं करता, मैं सुरक्षित रोजगार की बात करता हूँ। और प्रागी लाल जी और मैं मिलकर करेरा का एक नया इतिहास बनाएंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा। 15 साल की तस्वीर देखते हुए आपने इन्हें घर बैठाया था, पिछले 7 महीने की तस्वीर भी देख लीजिए, सौदेबाजी की तस्वीर भी देख लीजिए, संविधान और हमारे प्रजातंत्र से क्या खिलवाड़ हुआ है ये भी तस्वीर देख लीजिए। कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ जरूर दीजिएगा। और आप सच्चाई का साथ देंगे तो आप करेरा, शिवपुरी और हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। प्रागीलाल जी का आप साथ दीजिए, हम सब मिलके आप सबकी सेवा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय कमलनाथ, 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 जय जय कमलनाथ। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ।